गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन के अंदर या लेखन में, राइटिंग में, किसी भी प्रकार से जो शुड और मस्ट होते हैं। शुड और मस्ट का यूज़ कब किया जाता है, क्या सेंस शो करने के लिए हम शुड और मस्ट का यूज़ करते हैं, इस बात को हम आज पढ़ने वाले हैं। शुड और मस्ट का यूज़, और उसके बाद में कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस वो कैसे बनाते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शुड और मस्ट जो है, वो शुड और मस्ट के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो देखिए। तो शुड और मस्ट में सबसे पहले आप देखिए शुड। शुड मतलब होता है चाहिए। शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए। ये ध्यान रखना है कि शुड का जो मीनिंग है वो मीनिंग होता है चाहिए। शुड यानी चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। शुड मीन चाहिए और मस्ट मीन जरूर चाहिए। जैसे ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। ही शुड गो, उसे खाना चाहिए। ही शुड ईट, उसे केले खाने चाहिए। ही शुड ईट बनानास, इस प्रकार से। तो मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट हो जाएगा, यानी नेगेटिव सेंस अगर दे रहा है तो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, हमें रोड पर बाई साइड में चलना चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दाई साइड में नहीं चलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस हो जाएगा। तो चाहिए के अर्थ के लिए किसका, शुड का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट जो होता है, मस्ट का मतलब होता है कोई चीज अवश्य चाहिए, कोई काम, किसी क्रिया को हमें अवश्य करना है, अवश्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे फिर, मस्ट का। जैसे जरूर चाहिए तो क्या है, मस्ट आएगा, उसे अवश्य जाना चाहिए। जैसे अब रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अस्पताल जरूर जाना चाहिए, उसे अस्पताल जरूर जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, ही मस्ट गो टू द हॉस्पिटल, ही मस्ट गो टू द हॉस्पिटल। वी मस्ट एम्पावर आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर, एम्पावर का मतलब मजबूत बनाना। वी मस्ट एम्पावर, हमें अवश्य मजबूत बनाना चाहिए आवर नेशन, हमारे राष्ट्र को। हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, तो क्या करेंगे, मस्ट। और सीधी बात कह रहे हैं कि हमें मदद करनी चाहिए तो क्या लगाएंगे फिर, शुड लगाएंगे। तो हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर। दे मस्ट गो देयर, उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। दे मस्ट गो देयर, उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। दे मस्ट गो देयर, और उन्हें वहां जाना चाहिए, तो दे शुड गो देयर, तुम्हें अब यहां से जाना चाहिए। यू शुड गो फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, फ्रॉम हेयर, यहां से, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। इस प्रकार से हम शुड को प्रयोग करेंगे। आगे देखिए शुड के साथ बी कब लगाते हैं, शुड बी का यूज कैसे करते हैं, शुड बी का मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे हम। तो ये देखिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसे अब स्कूल में होना चाहिए, उसे इस समय अमेरिका में होना चाहिए, अगले साल उसे अमेरिका में होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। बी का मतलब होता है होना, और शुड मीन चाहिए, होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए वह घर पर होना चाहिए, वह घर पर होना चाहिए, तो क्या, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी, वह होना चाहिए एट होम, घर पर। ही शुड बी एट स्कूल, वह स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी एट क्लिनिक, वह क्लिनिक पर होना चाहिए। मुझे आपके साथ होना चाहिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए, मुझे तो इस समय आपके साथ होना चाहिए, इस प्रकार से। आई शुड बी विद यू, आई शुड बी विद यू, मुझे आपके साथ होना चाहिए। आई शुड बी विद यू, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। यू शुड बी विद मी, तुम्हें हमारी टीम में होना चाहिए। यू शुड बी इन आवर टीम, तुम्हें हमारी टीम में होना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हें तो हमारी टीम में होना चाहिए, हमारी टीम अच्छी है इसलिए तुम अच्छा खेलते हो, तो तुम्हें भी हमारी टीम में होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, यू शुड बी इन आवर टीम, और यू शुड बी विद रवि, तुम्हें रवि के साथ होना चाहिए। वी शुड बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, हमें अगले साथ
साल अमेरिका में होना चाहिए। राहुल एंड अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। राहुल एंड अमन, राहुल और अमन शुड बी होने चाहिए इन स्कूल, स्कूल में राइट नाउ इस समय। राहुल और रवि जो है वो इस समय स्कूल में होने चाहिए। तो राहुल एंड रवि, सॉरी राहुल एंड रमन, अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। राहुल एंड अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। शुड हैव, अब वो तो शुड बी यानी होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, पास में होना चाहिए, इस प्रकार से। अब है शुड हैव यानी पास में कोई चीज होनी चाहिए, तो शुड हैव होना चाहिए तो शुड बी, और पास में होना चाहिए तो किसका, शुड हैव का, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, तो ही शुड हैव ए मोबाइल, ही शुड हैव ए मोबाइल। उसके पास पुस्तकें होनी चाहिए, उसके पास पुस्तकें होनी चाहिए, उसके पास पुस्तकें होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, शी शुड हैव बुक्स, होनी चाहिए उसके पास पुस्तकें होनी चाहिए, शी शुड हैव बुक्स। है मतलब होता है रखना, पास में कोई चीज होना रखने के लिए, पोजेशन के लिए, ये अधिकार को शो करता है। शुड हैव होना चाहिए, पास में होना चाहिए, शी शुड हैव बुक्स, उसके पास पुस्तक होनी चाहिए, राहुल के पास पैसा होना चाहिए, राहुल शुड हैव मनी, राहुल शुड हैव मनी, राहुल के पास पैसा होना चाहिए यदि वो कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए, मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए, कम से कम के लिए क्या लगाते हैं, एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी कम से कम। आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग, आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग, हमारे पास कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए। वी शुड हैव, वी शुड हैव, हमारे पास होने चाहिए एट लीस्ट 5,000 रुपीज, वी शुड हैव एट लीस्ट 5,000 रुपीज, हमारे पास कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से शुड और मस्ट के यूज हैं। अब चाहिए था, चाहिए था पास्ट आ गया, चाहिए था क्या आ गया, ये पास्ट, तो पास्ट के अंदर, पास्ट के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, मुझे चले जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गॉन, शुड हैव के साथ फिर थर्ड फॉर्म आती है। एक तो आई शुड हैव मनी, मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो आई शुड हैव फिर हैव मेन वर्ब का काम करता है, और यहां पर चाहिए था यानी पास्ट में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसके लिए फिर क्या करते हैं, फिर हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां तो जैसे मेन वर्ब का काम कर रहा था हैव, और वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे मुझे चले जाना चाहिए था, तो इसमें वर्ब क्या आ गई, चले जाना, चले जाना। अब चाहिए था पास्ट में है, प्रेजेंट में है तो शुड, और पास्ट में तो शुड के साथ हैव, तो आई शुड हैव गॉन, उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम, उसे नाचना चाहिए था, ही शुड हैव डांस्ड, ही शुड हैव डांस्ड, उसने नृत्य करना चाहिए था, डांस करना चाहिए। वी शुड हैव फॉट फॉर आवर नेशन, वी शुड हैव फॉट, हमें लड़ना चाहिए था, फॉर आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के लिए, वी शुड हैव फॉट फॉर आवर नेशन। राहुल और अमन को मेरे घर आना चाहिए था, राहुल एंड अमन शुड हैव कम टू माई हाउस, राहुल एंड अमन शुड हैव कम टू माई हाउस, या कम माई होम, या कम टू माई होम, ऐसा हम बोल सकते हैं, राहुल एंड अमन शुड हैव कम टू माई हाउस या कम माई होम। ये चाहिए था यानी पास्ट के लिए आप इसका उपयोग